गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग हमारे गिल्ड में आने को इंटरेस्टेड है तो वो आ सकते हैं, क्योंकि गिल्ड में करंट टाइम पे अभी 20 लोगों की स्पेस खाली है। और जो भी लोगों ने अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे एवरी संडे कस्टम होता है चैनल प्रमोशन का। तो जो भी लोगों ने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो, बाकी की डिटेल्स तुम्हें वहाँ पे पता चल जाएंगे। शिव गेमिंग, काश जितना अच्छा इसका नाम रहता उतना अच्छा ये काम भी करता, तो हमें आज ये वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम लोग शिव गेमिंग को नहीं जानते तो भाई तुम लोग बहुत लकी हो, तुम अभी भी सेफ जोन में हो। अब एक समय हुआ करता था जब शिव गेमिंग गरेना से बहुत नाराज थे, इतने नाराज थे कि इन्होंने एक डेडिकेटेड वीडियो गरेना के ऊपर बना दी थी बहुत गुस्से में। बट जैसे ही गरेना फ्री फायर ने इसे अपने पार्टनर प्रोग्राम के टट्टो के लिस्ट में ऐड कर लिया, वैसे ही इसका रंग रूप स्वरूप सबका सब चेंज हो गया। तो अभी शिव गेमिंग के पास्ट में जाके देखते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। तो ये है शिव भाई की आज से 9 महीने पहले की वीडियो, जहाँ पे इन्होंने गरेना के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पेला था। वो वीडियो में ये बहुत दुखी, निराश और गुस्सा थे, क्योंकि गरेना ने अपना 2 लंड फेंक के इसके चैनल पे मारा था एज अ स्ट्राइक। तो उसके बाद भाई को आया गुस्सा, और गुस्से में ये भाई ने कुछ ऐसा ऐसा बोला अपने वो वाले वीडियो में। और यहाँ पे गरेना ने जो है मुझे दिया है एक प्यारा सा गिफ्ट, मैंने आवाज उठाई उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गांड मार ली गई है, प्लीज सपोर्ट। अब मैं पब्लिक को डेटा माइनिंग करके कैसे दिखाऊंगा आगे शिव भाई कुछ ये बोलना चाहते थे। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक आया है वो भी 2-2, तो तुम्हारे मन में गुस्सा, दर्द और बदले की भावनाएं बहुत रहेंगी स्ट्राइक मारने वाले के प्रति। तो जब तक ये भाई के चैनल पे स्ट्राइक था तब तक ये बहुत अपना दर्द लेके भटकते रहे बहुत यूट्यूबर्स के पास, जिसमें से जीएसके ने इसकी मदद की गरेना की रेटिंग डाउन कराने में। बट इन दी एंड जीएसके के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। बट जैसे ही गरेना फ्री फायर ने इसे अपने पार्टनर प्रोग्राम में ऐड कर लिया, वैसे ही गाइस फ्री फायर एक बहुत अच्छी गेम है। हाँ उन्होंने मेरे को स्ट्राइक दिया था, बट कोई ना, ये बाप बेटों का आपसी मामला था जिसे हमने बहुत ही आराम से सुलझा दिया। ये होता है दोगलापन, पहले गांड मारो फिर गांड चाटो। चंद रुपयों के लिए, डायमंड्स के लिए और कस्टम्स के लिए एक इंसान अपने ईमान के साथ साथ अपनी गांड कैसे बेच सकता है। अब देखो गाइस गरेना फ्री फायर ने इसे 2 स्ट्राइक दिया इसके चैनल पे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनर प्रोग्राम में रहना गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट भैंचो जब कोई थूक के चाटता है कम्युनिटी में तब बिना बोले रहा नहीं जाता। इसका चैनल खोलते बराबर मुझे ऐसा लगता कि मैं कॉमिक्स की दुनिया में आ चुका हूं। इसके वीडियोस के थंबनेल पे तुम्हें एक भी खाली जगह देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी जगह बचती है थंबनेल पे तो वहां पे एक अपकमिंग कैरेक्टर या फिर अपकमिंग इवेंट की फोटो डाल दो ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो जाए और मेरे वीडियोस को देखे। अब देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि अपडेट्स बताना एंड लीक्स कवर करना अपनी ऑडियंस के साथ वो गलत है, नहीं बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट अगर तुम कोई भी अपडेट्स या लीक्स बता रहे हो तो वहां पे तुम अपने खुद के व्यू रखो, खुद के ओपिनियन रखो, ऐसे ही हवे में कोई बातों को मत चौदा करो। आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्री फायर के कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। अब देखो मेरे को तो पता भी नहीं है ये आने वाले या नहीं आने वाले, बट आई डोंट फकिंग केयर गाइज, मुझे बस व्यूज से मतलब है। अब गाइज मैं शिव गेमिंग का बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, करीब 2.5 घंटे पहले मैंने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया है, और ये 2.5 घंटों में मैं इसके हर चीजों से वाकिफ हो गया हूँ। शिव भाई के चैनल पे जाते बराबर मेरे को बहुत चीजें सीखने को मिलती है, जैसे कि अपडेट्स को देख के खुद को दिलासा कैसे दे। अरे अरे भाई का सेकंड चैनल भी है, इस चैनल पे ये पक्का व्लॉग डालते रहेंगे या फिर चैलेंजिंग वीडियोस डालते रहेंगे। तो चलो गाइज शिव गेमिंग के सेकंड चैनल पे क्लिक करते हैं एसजी आर्मी, और देखते हैं भाई ने क्या क्या व्लॉग डाला या क्या क्या डिफरेंट चीजें डाली है। तो ये रहा हमारे शिव भाई का सेकंड चैनल, चलो क्लिक करते हैं और देखते हैं। और सेकंड चैनल एक क्रिएटर बनाता है ताकि वो दूसरे टाइप के कंटेंट डाले ताकि उसकी ऑडियंस उसे और अच्छे तरीके से जान पाए, पर नहीं, शिव गेमिंग ने पहले चैनल पे तो अपने हगा ही हगाए बट सेकंड चैनल भी नहीं छोड़ा। सोच कर रहे हैं तो अच्छे से करें। अब गाइस तुम लोग को पता होगा आज से कुछ दिनों पहले टाइटन्स कार के कोड की वजह से फलाना ढिमकाना ये सब चल रहा था, जहां पे बहुत सारे क्रिएटर्स ने पेल पेल के सब्सक्राइबर्स गेन किया, और जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं थे वैसे क्रिएटर्स ने भी दबा दबा के सब्सक्राइबर्स गेन किया। चलो सब्सक्राइबर्स गेन किया तो किया, फेक गिव अवेज किया तो किया, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। अब टाइटन्स कार के कोड देने का रूल क्या था, एक कस्टम होगा और जो विनर होगा उसको कोड दे दिया जाएगा सिंपल। तो शिव गेमिंग ने भी एक कस्टम रखा था और वो कस्टम के विनर को स्क्वाड में बुलाया अपने, और स्क्वाड में बुलाने के बाद वो बंदे को कोड दे दिया शिव गेमिंग ने। बट जब वो बंदे ने कोड को रिडीम किया जो शिव गेमिंग ने दिया था, तब वो कोड रिडीम ही नहीं हुआ। इसे ही तो बोलते हैं टैलेंट, अपने ही ऑडियंस को चूतिया बनाने का। अरे कम से कम विनर को तो छोड़ दो। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ गया रहेगा कि मैं क्या समझाना चाहता था। तो बस आज के वीडियो को करते यहीं पे एंड। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे शरीफ भोसड़ी वालों से बचे रहे। और जो भी लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो नहीं किया तो तुम लोग कर रहे क्या हो, जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे हम बहुत एक्टिव रहते हैं। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 1 लाख के बहुत करीब है। सो दिस वॉज मेहुल साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।